देखिए माँ स्कंद माता जो है ये कार्तिकेय की माँ के रूप में पूछी जाती है। और कार्तिकेय कौन है? शिवजी और पार्वती जी के बड़े पुत्र। कार्तिकेय की सवारी है मोर, जो ईगो को और बुरी इच्छाओं का नाश करता है। लेकिन इसीलिए नवरात्र के खास अवसर पर आपको मोरपंख से जुड़ी कुछ खास चीज़ें, कुछ खास टिप्स देना ज़रूरी है। ये आपके बहुत काम आएंगी। घर के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मोरपंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है और कष्ट कटते हैं। घर की एंट्री ठीक करने के लिए क्या उपाय है? दरवाजे पर आपको 3 मोरपंख लगाने हैं। पहले इससे किसी मंत्र से अभिमंत्रित कर लें, जैसे कि आप लक्ष्मी माँ के श्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हैं या इस मंत्र से कर सकते हैं जो बता रही हूँ, ओम द्वारपालाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। फिर इसके बाद इन मोरपंखों के नीचे आप गणपति की छोटी प्रतिमा लगाएं। अगर घर का पूजा स्थान वास्तु के हिसाब से नहीं है तो आप छोटा सा उपाय करके ठीक कर सकते हैं। आपको पूजा स्थान पर कुमकुम का तिलक करना है और साथ साथ आपको ओम कुर्म पुरुषाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा का जाप करना है। मंत्र से मोरपंखों को अभिमंत्रित कीजिए, फिर इन मोरपंखों को पूजा स्थान में सजा दें। किचन में भी आप मोरपंख का उपाय कर सकते हैं। आप 4 मोरपंख लगाइए और भोजन बनाने वाले स्थान से दूरी पर लगाएं। इन मोरपंखों को आप मौली से बांध दीजिए। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा के मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए, फिर इसको किचन में लगा दीजिए। आपको अपने बेड साइड पर मोरपंख रखना है और बेडरूम के वेस्ट डायरेक्शन पे, जो आपका कमरा है, दीवार पर 11 मोरपंखों का पंखा जैसी शेप बनाकर लगा लेना है और आपकी बाधा कहाँ चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। राहु का उपाय भी मोरपंख से हो सकता है। राहु दोष दूर करने के लिए मोरपंख को पूर्वी और उत्तर पश्चिम की, यानी कि पूर्वी ईस्ट और उत्तर पश्चिम साउथ वेस्ट की दीवार पर आप लगा सकते हैं। इससे घर में सांप बिच्छू विषैले जीव भी नहीं आते हैं और राहु केतु का उपाय भी हो जाता है। बच्चों के लिए भी आप एक खास उपाय कर सकते हैं। बच्चों में अगर दिक्कत है, चिड़चिड़ाहट है, कड़वाहट है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आदतें हैं, तो आप उन्हें मोरपंख की एक उपाय खास कर सकते हैं। आपको मोरपंख से हवा करनी है। जब आपका बच्चा आपके डिसिप्लिन में चलने लगेगा, पंखे के ऊपर मोरपंख चिपका दीजिए तो जब भी पंखा चलेगा हवा होगी। शत्रुनाश तो नहीं बोलेंगे, शत्रुता नाश के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके बीच दो लोगों के बीच कड़वाहट है, शत्रुता है, तो आप मोरपंख के ऊपर हनुमान जी की बॉडी का तिलक लेकर उसका नाम लिख दीजिए। इसको आपको ट्यूसडे या सैटरडे को करना है और हनुमान जी को ही मंगलवार को उनके आगे चढ़ा दीजिए, मोरपंखी चढ़ा दीजिए। आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और बाहर भी दे सकते हैं। इससे शत्रुता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन आप शत्रुता ज़रूर खत्म कीजिए। देखिए ध्यान रहे मोरपंख को बिल्कुल नेचुरल तरीके से घिरे मिल जाए, कहीं पार्क में, गार्डन्स में, फार्म हाउसेस पर होते हैं तो बहुत अच्छा। कानूनी तौर पे ये सही नहीं है और किसी भी पक्षी या जानवर को तकलीफ पहुंचाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे कोई चीज़ काम नहीं।